मजे मोर पर चलो 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 जान दो जान चलो फटो फटो उधर से चलो चुप सुनील अम्मू इधर है कार ले ले कार ले अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम है डॉक्टर फुरकान बशीर और ये मैं आपके लिए एक और इंतहाई दिलचस्प केस लेके आया हूँ। ये जानवर डाउन कवर है, बच्चा देने के बिल्कुल करीब है। इसको आज से तकरीबन को 24 घंटे पहले मसला शुरू हुआ है। इसने दर्द की अलामतें की हैं, उठना बैठना शुरू कर दिया है। मालका ने चेक करवाया तो पहला जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर पहुँचा जिसने भी चेक किया है उसने बताया कि इसकी बच्चेदानी को बल पड़ गया है, टॉर्शन हो गया है। उन्होंने इसको रोटेशन के ज़रिए निकालने की कोशिश की है, उससे नहीं निकला। और जो सबसे बड़ा ब्लंडर है, जो ज़मींदारों के लिए भी बहुत ज़रूरी बात है और डॉक्टरों के लिए भी बहुत ज़रूरी बात है, अगर आपके पास कोई प्रैक्टिशनर आया है और उसने आपके जानवर को टॉर्शन डायग्नोज की है कि इसकी बच्चेदानी को बल पड़ गया है और उसके बाद उसने दो बार कलाबाजियाँ एक साइड को लगवाइयाँ और दो बार कलाबाजियाँ दूसरी साइड को लगवाइयाँ, समझ जाए रॉन्ग नंबर है, उसको पता ही नहीं चला कि किस साइड की टॉर्शन है। होना या ना होना, शफा होना या ना होना, ज़िंदगी मौत एक अलहदा बात है, लेकिन पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं। और इसी तरह मेरे जो कलीग्स हैं, मैंने खुद एक DVM वेटनेरियन VO के मुंह से सुना है कि यार मुझे जो मुझे किसी ने सिखाया है, मेरे VA ने, उसने ये सिखाया दो पासे डॉक्टर साहब सजे पासे लगाओ, दो पासे खब्बे पासे लगाओ, ठीक हो जाएगा, इस काम से बचना है। अब इसको बहुत सारी कलाबाजियाँ लगी हैं, कलाबाजियाँ खा खा के इसका दिमाग फिर गया है। इसको अब हम सी सेक्शन करने लगे हैं और इसकी स्टैंडिंग अप्रोच ली है, वजह क्योंकि इसको जब हमने रेक्टल पल्पेशन से चेक किया है तो अभी तक मैं इस काबिल हूँ कि मैंने इसके फीटस को हाथ में पकड़ लिया है, यूट्रस जो है उसमें टर्जिडिटी नहीं आई, वो इतना फूल के गुब्बारा नहीं बना कि हम ऊपर से ना निकाल सकें। अगर बच्चे की टांग हाथ में आ रही है तो इसका मतलब है हम यहाँ से निकाल सकते हैं, हमारे लिए भी ईजी है, जानवर के लिए भी ईजीली है और यहाँ से सारा उसका फ्लूइड भी बाहर निकल जाएगा। यहाँ के ऑपरेशन की केयर करना मालकान के लिए भी ईजी है, इसलिए हम यहाँ से इसको अप्रोच करने लगे हैं। इसको हमने जनरल एनेस्थीसिया दिया है, इसको हमने रीजनल ब्लॉक दिया है और यहाँ पे लाइन ऑफ इंसिजन पे हमने इसको एनेस्थीसिया दिया लोकल, और अभी इसकी हम सर्जरी करेंगे और फिर आपको अपडेट भी करेंगे। लाओ जी मिनट, जी जनाब सर्जरी इसकी कंप्लीट हो गई है। अब इसको हमने डिटल लगाई हुई है ताकत के लिए, क्योंकि जानवर काफ़ी ज़्यादा थक गया है कलाबाजियाँ खा खा के, और थक मेरी टीम भी गई है क्योंकि आज के दिन में ये हमारी तीसरी सर्जरी है। ये देखिए मेरी टीम के काम देखिए, इसके बावजूद हमें मुश्किल काफ़ी ज़्यादा पेश आई है क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा बड़ा था, लेकिन दो वजूहत थी कि एक बच्चा हाथ में आ रहा था और दूसरी कोशिश ये थी कि हम इसका जो टॉर्शन है, बच्चेदानी के बल हैं, वो यहीं से निकाल दें अपनी तसल्ली से, ताकि इस जानवर के दोबारा गबन होने के, हमला होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। क्योंकि नीचे वाली अप्रोच से बच्चा बड़ा हो या छोटा हो उससे हमें प्रॉब्लम नहीं पेश आती, कोई हमें मसला नहीं बनता बच्चा खींचने में, लेकिन उसमें यह होता है कि वहाँ से टॉर्शन रिमूव नहीं होती, वो टॉर्शन बाद में हम अल्लाह तवक्कल छोड़ देते हैं कि खुद ही निकल जाए। यहाँ से करने में ये होता है कि हम जैसे ही बच्चा निकालते हैं या बच्चा निकालने से पहले टांके लगाते वक्त, किसी भी वक्त जिस टाइम पे इजी हो उस टाइम में इसकी टॉर्शन निकाल देते हैं, बच्चेदानी के बल निकाल देते हैं, ताकि अगली बार इसके गबन होने के, हमला होने के मैक्सिमम चांसेस हों। तो एक और बात कि अभी दौरान सर्जरी जब बातें और हिस्ट्री हुई है तो खुली हैं कि इस जानवर को आज से 3-4 दिन पहले से हल्का हल्का इसने खुराक में कमी की हुई थी, क्योंकि जब हमने फिटस निकाला है तो वो इस तरह महसूस होता था कि वो आज नहीं कम से कम कल या परसों का 24 से 48 घंटे का मरा हुआ है। तो तमाम ज़िम्मेदार ये बात याद रखें कि ऐसा जानवर जो बच्चा देने के करीब है, वो हल्की सी भी कोई हरकत करे, अपनी खुराक कम करे, उठने बैठने की हरकत करे, पेट में दर्द की अलामत करे, तो उसको एक बार बच्चा लाजमी चेक करवा लें, बच्चे को मसला तो नहीं बन गया,
क्योंकि ख़ास तौर पर बच्चेदानी के बल की जो अलामतें होती हैं वो मैं आपको गिनवा देता हूँ। जानवर ने अडर बनाया है, बनाने के बाद उसने अडर कम कर दिया, चड्डा बना कर चड्डा चढ़ा लिया। ज़रूरी नहीं कि ये सारी अलामतें हर जानवर में हों, लेकिन मुख्तलिफ जानवरों में मुख्तलिफ अलामतें होती हैं। चड्डा बना कर चड्डा कम कर जाना, उठना बैठना, ज़्यादा देर बैठे रहना या ज़्यादा देर खड़े रहना, पेट पर टांगे मारना, उसके बाद जानवर का खुराक कम करना, ये पांच अलामतें जो हैं ये ख़ास मखसूस हैं टार्शन के लिए। और एक छठी अलामत कि जानवर खड़ा खड़ा पिछली टांगे अपनी मुसलसल तोलता रहेगा, कभी एक टांग पे वज़न, कभी दूसरी टांग पे वज़न। जब भी आप देखेंगे जानवर मुसलसल अपनी टांगों पे ऊपर वज़न जो है वो शिफ्ट कर रहा है, ये अलामतें अगर आप देखें, डॉक्टर देखें, तो फ़ौरन ज़िम्मेदार को बताएँ कि इसके बच्चे का मसला हो सकता है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन चेक करवाने में हर्ज नहीं है। ज़िम्मेदार देखें तो फौरी तौर पे डॉक्टर को बुला के चेक करवा लें, ताकि माँ और बच्चा दोनों की जान बच सके और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। उम्मीद है इस वीडियो से किसी को फ़ायदा होगा। फिर मिलेंगे किसी और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।